रुक करते हैं प्रदेश की ओर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बजट में इस बार हिमाचल प्रदेश के हिस्से में भारी इजाफा हुआ है। हिमाचल को आवंटित होने वाले बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 6.3% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट नए भारत की परिकल्पना है और इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी और केंद्रीय योजनाओं का लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बजट में नए भारत का परिकल्पना है, इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी और केंद्र की योजनाओं से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में इस बार हिमाचल के हिस्से में भारी इजाफा हुआ है। हिमाचल को आवंटित होने वाले बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 6.3% की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने वाले हिमाचल की तर्ज पर पहली बार केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को केंद्रीय बजट में जगह दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य था जिसने 2018-19 में बजट से 25 करोड़ का प्रावधान किया था। केंद्रीय बजट में वैसे तो हिमाचल को कुछ नहीं मिला है, लेकिन कई प्रावधान हैं जिनसे प्रदेश को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य पूरा करने को एग्रो आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनधन खाता धारक महिलाओं को 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा, स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 1,00,000 मुद्रा लोन व्यवस्था महिला सशक्तिकरण के लिए कारगर सिद्ध होगी। एक ग्रिड में जाने के बाद जो है पूरे देश में जिस प्रदेश की आवश्यकता, जिस शहर की आवश्यकता जितनी है उस आवश्यकता के अनुसार उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, संतुलित डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। कहीं अगर किसी स्टेज पर एक ग्रिड जो है वो फेल होता है तो दूसरा ग्रिड उसका सप्लीमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा, बिजली का कट नहीं लगेगा, बिजली की जो है संतुलित जो है वो आगे बढ़ करके जो है उसमें जो है वो सप्लाई रहेगी। ये एक बहुत ही अहम निर्णय जो है केंद्र सरकार ने लिया। बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी सीधा निवेश, ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से एक निर्णय लिया गया है। 45 लाख तक आवास खरीदने के लिए ब्याज पर जो है वो छूट का प्रावधान किया गया है और उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि ये लगभग 1.5 लाख रुपए की जो है वो 1.5 लाख रुपए की इसमें इंक्रीज की गई है, बढ़ोतरी की गई है। ये भी एक बहुत बड़े हमारे समाज के एक वर्ग को जिसको इसकी आवश्यकता रहती है, सहयोग की और मदद की, खासतौर से जब मकान बनाया जाता है तो उसमें बहुत बड़ा मदद उसमें मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने के बाद केंद्रीय सरकार का ये पहला बजट है और ये भी हमें प्रसन्नता है कि ये केंद्रीय बजट जो है हमारे देश में महिला मंत्री, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के माध्यम से ये प्रस्तुत हुआ। ये विशेषता एक महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अपने आप में एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत ही संतुलित बजट जो एक साल के लिए नहीं बल्कि आगामी 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट करता है और उस दृष्टि से सबसे बड़ी बात तो यह है कि बजट में 6.3% की जो है बढ़ोतरी की गई है, इंक्रीज की है जो टोटल बजट है, यूनियन बजट जो है। और स्वाभाविक रूप से जब यूनियन बजट में इतनी बड़ी ग्रोथ होती है, इतनी बड़ी इंक्रीज होती है तो हमारा प्रदेश का हिस्सा भी उसमें बढ़ता है, उसमें प्रदेश की मजबूती के लिए, प्रदेश के विकास के लिए भी उसमें बहुत बड़ी हमारे लिए जो गुंजाइश और बढ़ेगी। इसमें जो है 25 बीघा का हम जिक्र करते हैं, 25 बीघा से कम जमीन है उनको जो है 6,000 रुपए प्रति माह का देगा। दूसरा जिक्र उन्होंने खासतौर से किया था जो ऐसे हमारे छोटे दुकानदार हैं और जिनका जो है वो जिनका व्यापार जो है लगभग 1.5 करोड़ के लगभग है, उन सब उनको लिए है पेंशन योजना का भी उसका प्रावधान करने की बात कही थी और वो इस बजट के माध्यम से आगे बढ़कर के उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और उसके साथ साथ में जो पूरे देश भर में पिछले 5 साल में
रोड नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से काम हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बहुत युद्ध स्तर पर इस काम को प्रभावशाली ढंग से जो है उसको आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की है। और ये वर्तमान सरकार में जो है फिर से रिपीट होने की दृष्टि से इस रोड नेटवर्क का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। गांव को सड़कें मिली है, शहरों को सड़कें खुली मिली है, चौड़ी मिली है, बहुत बड़ी योजनाएं जो है वो फोर लेन के माध्यम से, बहुत सारी योजनाएं जो है वो नेशनल हाईवे के माध्यम से जो है कनेक्टिविटी के जो इश्यू है उसमें बहुत बड़ी हमको जो है वो एक उम्मीद थी। उस उम्मीद के मुताबिक जो है इस बजट में भी जो है वो उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन